हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि हम सभी को बहुत पसंद है और इसे बनाना भी बहुत सिंपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ग्रेटेड गाजर ली है। आप जिस भी कप कटोरी से मेजर करें वो एक ही साइज़ का रखें सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिससे मेजरमेंट करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गाजर ग्रेटेड गाजर ली है और 1 कप दूध। इसी के साथ हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो मैं आपको बनाते हुए बताती जाऊँगी। अब लेंगे एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई, ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। घी जैसे ही मेल्ट होगा ऐड कर देंगे गाजर, और गाजर को चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे 12 से 15 मिनट, या फिर जब तक कि गाजर सॉफ्ट हो जाए और ऑलमोस्ट गल जाए। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम, इसलिए लगातार इसे चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ली है तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा भूनते हुए, और थोड़ी देर भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। गाजर सॉफ्ट हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी तरह हमें ऑलमोस्ट गाजर को इसी तरह से गला लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। गाजर के हलवे में अगर खोआ डालो तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। सो यहाँ पे खोए की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ दूध और कंडेंस्ड मिल्क। खोआ अब घर पर हमेशा अवेलेबल होता नहीं है, तो इसमें हम डालेंगे दूध और कंडेंस्ड मिल्क। 2 कप ग्रेटेड गाजर के साथ 1 कप हमें दूध यूज़ करना है, और दूध हमें बॉईल किया हुआ ही यूज़ करना है, कच्चा दूध यहाँ पे नहीं डालना। अब अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल आने देंगे, और जैसे एक बॉईल आएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। आधा कप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, मिक्स करेंगे और मीडियम हीट पे इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाता। बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। जब ये मिक्सचर ड्राई होने लगेगा तो फिर हमें लगातार इसे चलाते रहना है। अब यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मिल्क सूख चुका है और ये काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो चीनी आप थोड़ी कम डालें। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। मिक्स करके थोड़ा और भूनेंगे अभी इसको, और फिर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले लें। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता लिया है। मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ड्राई नहीं है, तो हमें बस इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाए। लगातार चलाते रहेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे। जब ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, और लो हीट पे इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये एक बॉल फॉर्म में आ गया है। सो इट्स डन। अब गैस को टर्न ऑफ करेंगे, और टर्न ऑफ करने के बाद या तो इमीडिएटली आप इसे किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर लें, या फिर इसी तरह लगातार थोड़ा चलाते रहें, क्योंकि कढ़ाई है गर्म, अगर आप एकदम से कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। सो आई होप आपको ये गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। गाजर का हलवा कई तरीक़ों से बनाया जाता है, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज गाजर यूज़ करी है, लेकिन अगर आपको रेड गाजर मिले तो गाजर का हलवा आप रेड गाजर से ही बनाएं। इससे भी अच्छा बनता है, लेकिन रेड गाजर से और भी अच्छा बनता है। मुझे मिला नहीं तो मैंने इसी से बना लिया। सो गाइज, अगर रेसिपी पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।